हमारा नहीं। आज हमारा जो चैप्टर 8 है उसका मैं आपको स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी वाला जो क्वेश्चन है वो आज मैं करवाऊंगी आपको। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको इनको रीड करना है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको इनको रीड करना आना है। इसको चैप्टर को मैंने रीड करवा दिया और इसके क्वेश्चन ए और बी जो था क्वेश्चन आंसर वो मैंने आपको करवा दिए। आज मैं आपको स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी जो है उसकी क्वेश्चन ए और बी करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर ए है रीड दीज वर्ड्स अलाउड, आपको ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनको जोर से रीड करना है। आपको रीडिंग भी तो आनी चाहिए ना, तो इसलिए आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं डबल ई, जिनके मीडिंग में डबल ई है, जिनके बीच में मिडल मीडिंग में डबल ई है, वो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं वो रीड करके आने चाहिए। जैसे फर्स्ट है, जैसे क्वेश्चन ए है ये रीड दीज वर्ड्स अलाउड, ये है एफ डबल एल पी एफ डबल एल पी पी डबल एल पी आर डबल एल पी डब्लू एच डबल एल वी पी डबल ई पी टी पी डबल ई पी टी के डबल ई पी टी पी डबल ई पी पी डब्लू डबल ई पी 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 डबल एल पी एस डबल ई एल सी एफ डबल ई टी फी एम डबल ई टी मीट एम डबल ई टी मीट आर डबल ई टी बी एस डबल ई टी सी डब्लू डब्लू ई बी। नाउ रिपीट अगेन एफ डबल ई एल सी एच डबल ई एल ई पी डबल ई एल R double E L V W H double E L V P double E P T V double E P T K double E P T P double E P T W double E P V V double E L V S double E L C F double E T P N double E T V N double E knee, R double E T S double E C और W double E B। ये वर्ड्स आपको सिर्फ रीड करना है, ये जो वर्ड्स हैं उसको रीड करना है। क्वेश्चन नंबर बी है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द नेम ऑफ थिंग्स स्लैप द वर्ड करेक्टली। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, इनके आपको मीनिंग लिखना है। तो जैसे ये क्या है बुक B double O K book apple A double P I E apple B O X box lunch box है ये। देखो B double O K book A double P I E apple B O X box P E N C I L pencil E R A S E R eraser R U L E R ruler। इनका आपको बुक में यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये रूलर है जैसे आर यू एल आर रूलर पेंसिल, ये सब पिक्चर्स यहाँ दी हुई है, आपको इनके नेम लिखने हैं, आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। बुक एप्पल बॉक्स पेंसिल इरेजर एंड रूलर आपको इसमें फाइंड करना है और इसके नेम लिखने हैं। अभी से ये दिया हुआ है क्वेश्चन ए, ये वाला क्वेश्चन जो ए है वो मैं करवा रही हूं आपको। लुक एट द थिंग्स यू हैव इन योर बैग, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर आपको फाइंड कर मतलब लिखना है, अगर है आपके पास तो आपको यस लिखना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको नो लिखना है। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनके आंसर दे
नहीं है तो नो, अगर आप कोई चीज रखते हैं तो यस आई हैव, आई डू हैव, अगर आप नहीं रखते हैं तो क्या बोलेंगे? नो आई डू नॉट हैव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डू यू हैव ए पेन इन योर बैग? क्या आपके बैग में पेन है? डू यू हैव ए पेन इन योर बैग? क्या आप अपने बैग में पेन रखते हैं या आपके बैग में पेन है? डू यू हैव ए पेन इन योर बैग? क्या आप अपने बैग में पेन रखते हैं? तो आप रखते हैं तो क्या लिखेंगे? यस। आप अगर रखते हैं तो क्या लिखेंगे? यस। यू मत, हम लोग डॉग टॉयज पे लेकर आते हैं स्कूल।
को आपको करना है, नहीं तो बुक में फिल करना है क्वेश्चन ए और बी, और ये वाला जो क्वेश्चन है ए वो आपको नोट बुक में राइट करना है। नेक्स्ट क्लास में जो दिया हुआ है अगला क्वेश्चन वो मैं आपको करवाऊँगा।